शाइनी क्या आपकी शाइनी की चाबी? नहीं नहीं जी, और ये मैं कैसे ले सकता हूँ? शाइनी को तो मैंने बेच दिया था जी। पर ये आपकी मेहनत की कमाई है, ले लीजिए। उसी मेहनत की कमाई। सर अब हानिया और मेहर की शुरू हो गई है लव स्टोरी। मतलब लव स्टोरी अभी स्टार्ट होने से पहले ही थोड़ी दुश्मनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर तीनों लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। स्पेशली जो सरब है वो मेहर का दुश्मन बन गया है, क्योंकि भाई उसने उसको जॉब से निकलवा दिया और यहाँ पर कितने नाटक भी किए मेहर ने, उसको ब्लैकमेल भी किया। आज तो जॉब का पहला दिन है। पर रेगुलरली जॉब तो कर रहे हैं ना, और आपकी सैलरी भी आएगी। आपकी सैलरी से इसके पैसे कट जाएंगे। ये तो अच्छा है कि मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि बाद में आपको पता चलता कि सैलरी कट के आ रही है तो आप शायद एंग्री यंग मैन बन जाते, तब हमें प्रॉब्लम होती। उसको गुस्सा भी किया, उसकी बेइज्जती भी की, उसके पापा और भाई को लेकर भी उसने कितनी इंसल्ट की थी यहाँ पर सब लोगों के सामने। तो ये सब देखकर ना सरब तो भाई बहुत बड़ा दुश्मन हो गया अभी मेहर का। वहीं हम देख रहे हैं कि भाई उसको पता लग गया कि मेरे को जिसने जॉब से निकलवाया था ना वो मेहर है, कोई और नहीं है। थैंक यू सो मच। सॉरी। बस। और वो पहुंच जाता है यहाँ पार्टी में। यहाँ पर 15 साल हो गए हैं आसमा की कंपनी को, और हमने देखा इतना किस तरीके से यहाँ पर आलिया का खात्मा हुआ था। लेकिन भाई अरमान नहीं है अब उसकी जिंदगी में, वो तो हम आने वाले एपिसोड्स में ही देखेंगे कि जी समझ नहीं आ रहा वाकई वो क्या कहूँ। वो आप दोनों बहने ना बड़ी अजीब है, और जी दूसरी मुझे मेरी बाइक दिला देती है। क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से अरमान और आसमा अलग हो गए? बार बार अरमान का नाम भी लेते हैं यहाँ पर, बोलते भी हैं घर वाले कि भाई जो मेहर है वो तो अरमान के ऊपर गई है। लेकिन थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। चलो चलो जल्दी करो, आ जाओ शाइनी, चल फिर चलिए। और यहाँ पर जिस तरीके की अरमान और आलिया के बीच में बचपन में सारी चीज़ें हुई थी, और आलिया ने जो एक जहर घोला था ना मेहर के बीच में, तो वो सारी चीज़ें अब उसके सामने आ रही है। यहाँ पर वो बहुत इमोशनल लेस है, मतलब उसके अंदर बिल्कुल इमोशंस नहीं है, वो कुछ भी नहीं समझती, कोई फीलिंग नहीं है। तो अभी तो आने वाले एपिसोड में पता लगेगा कि क्या कुछ हुआ था इनके बीच में। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई झगड़ा चालू हो गया है और एनिवर्सरी मनाई जा रही है 15 साल की इनकी इंडस्ट्री की। 15 साल हो गए हैं, अचानक से सरब आएगा और फेंका तोड़ी कर देगा और मेहर के ऊपर गुस्सा भी करेगा। यहाँ पर आसमा भी आएगी, सुखी भी आएगा, उसको समझाएंगे भी, लेकिन उनको कुछ उसको समझ में नहीं आएगा। और वो बताएगा कि मेहर ने क्या कुछ किया है, इसने मेरी जॉब छुड़वा दी, और इसने ऐसा क्यों किया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, और ये कैसे कर सकती है, मतलब आपने कुछ संस्कार नहीं दिए। यहाँ पर आसमा और उसके बीच में भी थोड़ी बहस हो जाएगी। आसमा को थोड़ा बुरा भी लगेगा कि मेहर अब किस तरीके की हरकतें कर रही है और कैसे कर सकती है वो ऐसा। लेकिन भाई हम दूसरी तरफ देख रहे हैं जो हानिया है ना वो करेगी अब सरब की हेल्प, और उसने देखा ही था कि भाई इसको पैसों की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर उसने अपनी बाइक भी बेच दी है पैसों के लिए, और घर में जो उसकी सौतेली माँ है ना उसको हमेशा से पैसे ही चाहिए होते। तो अब देखते हैं यहाँ पर भाई जो हानिया है वो किस तरीके से यहाँ पर इसकी हेल्प करेगी, और क्या भाई इन सब के बाद जो उसका पुराना बॉस है सरब का वो उसको वापस बुला लेगा और वापस से उसकी नौकरी लग जाएगी। तो आप मुझे बताइए आपको दारिया का एपिसोड कैसा लग रहा है, और आपको सरब के संग किसकी जोड़ी अच्छी लगती है, आपको मेहर की या फिर हानिया की, और क्या मेहर को सरब